ठीक है किशन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है MCO 6 से रिलेटेड। ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड्स यूज्ड इन प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट विथ एग्जांपल। तो हम लोग मेथड्स चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट की जाती है। ठीक है ना, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, ये कैसे सेट किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बी नंबर पॉइंट अभी नहीं करेंगे और मैं ज्यादा लंबा करा भी नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। सो वी आर गोना डू ओनली द क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ए हम लोग अभी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट विल बी ऑफर्ड टू कस्टमर्स। सेवरल मेथड्स कैन बी यूज टू सेट द प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्राइसिंग जो जब आप किसी नए प्रोडक्ट की प्राइस आप सेट करना चाहते हैं, तो आपको ये डिटरमाइन करना होता है कि कौन से प्राइस पे आपको उस प्रोडक्ट को कस्टमर को देना है। ठीक है ना, और उसके आसपास के, फिर जब आप आसपास में जो है आप प्राइसेस अपना सेट करते हैं। सपोज आपको 200 रुपए में देने हैं, तो आप 250 300 तक रखते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट देकर के आप उस चीज को सेल करते हैं। ठीक है ना, सो प्राइसिंग का मतलब भी यही है। आप जो भी आप प्राइस रखेंगे, डेफिनेटली आप अपना जो आपका खर्च हुआ है, जो आपको ओवरहेड पे करना पड़ा है, जो डिलीवरी चार्जेस है, वो सब कुछ जोड़ जाड़ करके ही आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस को रखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, उन्हीं को एक एक करके करेंगे। सबसे पहला जो मेथड जो यूज होता है वो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। मतलब जो आपका कॉस्ट है उसमें आपने कुछ अपना प्रॉफिट ऐड किया। सपोज प्रोडक्ट को बनाने में आपको 300 रुपए खर्च पड़ा है, आपको सपोज 30% प्रॉफिट चाहिए, तो आपने उसका प्राइस जो है 300 रुपए और उसका 30% तकरीबन 90 रुपए या 100 रुपए आप उसको पकड़ लो, तो 400 रुपए। 400 रुपए आप सोच रहे हो कि 400 रुपए में मैं अपना सेल करूंगा, तो आप उसकी जो MRP है वो आप 450 या 500 तक रख सकते हो, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट लेकर के आप सेल कर सकते हो। अभी के टाइम पे प्राइसेस जो है ज्यादा रखी जाती है जानबूझ करके, ताकि उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा सके। ठीक है ना, तो जो आपकी कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइसेस को सेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड एडिंग अ डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो इस मेथड में क्या हो रहा है, जो आपका प्रोडक्शन ठीक कॉस्ट है, आपको खर्च किस तरीके का पड़ रहा है उसको तैयार करने में, प्लस डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद ऐसे ही मार्केट में बेचने के लिए निकल जाइएगा और कोई खरीद लेगा, ऐसा तो होता नहीं है, है ना। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि इसका क्या फायदा है वगैरह वगैरह, तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी होगी, उसके लिए आपको एडवर्टाइज वगैरह रन करवाने होंगे, तो उसमें भी एक खर्च है। वो सारे खर्च आप जोड़ जाड़ करके और थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ करके आप प्राइस को सेट करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के तहत। द बिल्कुल प्राइस सर, इज सेट बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये किस चीज पे बनता है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे, आपके साथ जितने भी सारे पर जो यूनिट टोटल कॉस्ट एक है, प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितना भी टोटल कॉस्ट होगा उसमें फिर एड वैड करके आप जो है एक प्राइस को सेट करते हैं, इंश्योरिंग दैट कंपनी कैन कवर एक्सपेंसेस एंड अचीव प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी जो है अपने एक्सपेंसेस को कवर करे। सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा नहीं है, प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसको वेयर हाउस में रखेंगे तो वेयर हाउस तक ले जाने का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, सारा का सारा जोड़ जाड़ करके आप एक प्राइस रखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड MRP प्राइस ना सर। थोड़ा MRP, हाँ MRP, प्रॉफिट मार्जिन, एक प्रॉफिट होगा कम मतलब। या ज्यादा, थोड़ा इसमें वही रहता है ना सर, थोड़ा कम या ज्यादा MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ MRP तो वही हो गया, लेकिन MRP के ऊपर फिर डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक है, हाँ तो वो ये तो डिस्काउंट तो रहता ही सर, वो तो थोड़ा ज्यादा करके रहता है लिखा हुआ प्राइस। हाँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ये हो गया एक तरीके से कि उससे ज्यादा आप कस्टमर से ले नहीं सकते। आप कम तो कुछ भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आपको अगर एकदम जैसे कि आपका एक्सपायरी है 1 2 महीने में, तो हो सकता है कि आप उसको 50% प्राइस पे भी बेच दें, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन MRP का मतलब हो गया कि उससे ज्यादा आप किसी से ले नहीं सकते। अगर आप लेंगे तो आप जेल चले जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में आपके खिलाफ केस हो जाएगा अगर कोई कर देता है तो, और पक्का आपको जेल या फिर फाइन हो जाएगा बहुत तगड़ा सा। ठीक है, सो MRP इज लाइक फाइनल सीलिंग, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन्स में कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर कोई कंपनी स्मार्टफोन बना रही है तो उसने अपना कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाला, लेबर निकाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा उसमें जोड़ा, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा उसमें जोड़ा,
एंड एड अ प्रॉफिट मार्जिन, और छोटा सा एक प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ा, उसके बाद फिर जो प्राइस निकल करके आया वो आपका प्राइस होगा, ठीक है। टू डिटरमाइन द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड, जितना भी आपका टोटल कॉस्ट निकल करके आया उसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, और फिर उससे थोड़ा सा और ज्यादा प्राइस में आपने उसको एमआरपी लिस्ट किया, और जो ज्यादा आपने प्राइस दिया है प्रॉफिट को छोड़ करके उसको आपने एज ए डिस्काउंट शो कर दिया। यहाँ पे डिस्काउंट ओके भी यस है, यस बट अभी के टाइम में डिस्काउंट बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी आप कुछ बाय करेंगे ऑनलाइन भी देखना, आप चेक करते हैं कि कितना डिस्काउंट इसके ऊपर मिल रहा है, राइट? तो डिस्काउंट ऐसे एक ही बहुत कर लेते, बड़ा ऐसे ही सर, फैक्टर ऐसे ही सेल होता है सर, डी मार्ट वगैरह में तो ऐसे ही लेते लोग, है, राइट राइट। डिस्काउंट से ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है। हाँ ओके देन, सो कॉस्ट बेस्ड तो क्लियर है। इसके बाद है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, जो मार्केट में किसी चीज का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग बेचना। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोनोपोलिस्टिक कमीशन, कि बहुत सारी कंपनी सेम प्रोडक्ट बेच रही है, चार पांच कंपनी है, छह कंपनी है जो कि सेम तरह के प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो क्या करेगी ना, जैसे अब जैसे हम बात करते हैं जियो का, तो जियो क्या है, बहुत सस्ते में हम लोग को डेटा देता है। पहले के टाइम पे क्या था, एयरटेल का जो प्राइसिंग था वो काफी ज्यादा हाई था, क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, लेकिन जब से जियो आया है उसके प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ा है। तो एक प्लेयर, एक प्रोडक्ट जिस प्राइस पे है, दूसरा कंपनी भी उस प्रोडक्ट के प्राइस को उतना ही रखने की कोशिश करेगा, ताकि उसको भी वहां से फायदा हो पाए, भले ही उसको बनाने का खर्चा उसको कितना ही कम क्यों ना पड़ा हो। सपोज 10 रुपए ही उसको सिर्फ उसको बनाने का खर्चा पड़ा है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर चीज का, वो मार्केट में 100 रुपए में बिक रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस आप भी 100 रुपए ही करोगे, आप 20, 30, 40, 50 इतना नहीं रखने वाले, क्योंकि आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट तो बिक ही जाना है। जब लोग उसको 90 रुपए में ले रहे हैं, 100 रुपए में ले रहे हैं, तो मेरा भी 70-80 रुपए में तो ले ही लेंगे, तो आप एकदम रिड्यूस कर देंगे, ऐसा होगा। तो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको जो है, आप अपने प्राइसेस को भी एक तरीके से सेट करते हो। सो दिस अप्रोच इन्वॉल्व सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट फैक्टर्स सच एज कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिमांड के ऊपर भी सेट किया जाता है। कॉम्पिटिटर प्राइस यहाँ पे बोला गया है, कॉम्पिटिटर प्राइस में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका कॉम्पिटिटर होगा वो जैसा प्राइस रखेगा आप भी वैसे ही रखोगे। एंड परसीव्ड वैल्यू, कि कितनी वैल्यू कस्टमर को मिलेगी, ठीक है ना? अगर ज्यादा वैल्यू मिलती है तो आप डेफिनेटली ज्यादा प्राइसेस रख सकते हो। जैसे कि एप्पल का फोन का एग्जाम्पल ले लो, उसका परसीव्ड वैल्यू बहुत ज्यादा है ना? लोगों को पता है कि वो प्रीमियम फोन है, लोगों को पता है कि वो एंड्रॉयड फोन के मुकाबले ज्यादा सिक्योर्ड फोन है, इसीलिए लोगों को एक वैल्यू मिलती है, और उसी वैल्यू के लिए वो लोग जो है प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं, चार्ज ठीक? करते हैं। परसीव्ड वैल्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने प्राइसेस को रख सकते हो, जैसे एप्पल करता है हमेशा, क्योंकि उसको पता है कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं बाकी सारी कंपनीज नहीं दे पा रही हैं, वो प्राइस भी वैसा रखता है। और अब लोगों को वो बात समझ में आ रही है, पहले लोग अफोर्ड करते नहीं कर पाते थे या करना नहीं चाहते थे, अभी तो लोग मतलब पागल हैं, ठीक है? हाँ बराबर, थोड़ा रेट कम हो जाता है तो फिर वो बिकने लगता एकदम एकदम। अभी देखो ना, ये जो बिग बिलियन डेज सेल चल रहा है ना, मतलब है। अभी हाँ, इतना आईफोन बिकेगा कि क्या बोलूं मैं, बहुत 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 बहुत, बिकेगा। अब बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी डालने वाला है ना सर इंडिया में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाइना में तो काफी लफड़ा चल रहा है उन लोगों का, तो इंडिया में वो लोग स्टार्ट करेंगे, इवन स्टार्ट हो भी गया है, कितना सारा स्टोर वगैरह भी खुल गया है। पहले हाँ, तो इधर वो मुंबई बांद्रे में टाइप भी करके बहुत चलता बड़ा था, प्रॉब्लम। फ्रेंचाइजी लेकर के, लेकिन अब अपना स्टोर भी है एप्पल का इंडिया में। बड़ा ओके स्टोर खुला है। हाँ या नाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग व्हाट मार्केट्स आर विलिंग टू, व्हाट कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। अब देखो यहाँ पे प्राइस जो आप डिटरमाइन कर रहे हो, आप ये भी सोच करके कर रहे हो कि जो कस्टमर्स कितना दे सकता है आपके प्रोडक्ट के लिए। एप्पल के साथ वही है कि ज्यादा लोग देना चाहते हैं, तो आप, आपको पता है कि जब आपका फोन, पिछला फोन 1.5 लाख रुपए में बिका था, तो इस बार वाला फोन भी 1.5 लाख रुपए के आसपास बिक ही जाएगा, तो कस्टमर इसका मतलब है कि आपसे फोन खरीद रहा है, तो जब खरीद रहा है खरीद तो रहे हैं अपना प्राइस बहुत ज्यादा कम क्यों रखेंगे, आप तो ज्यादा ही रखेंगे, है ना? तो वही बात है, ऑफ कोर्स। विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट एंड हाउ इट कंपेयर्स टू सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लग्जरी, कोई लग्जरी प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है अ न्यू लग्जरी वॉच, ठीक है, वॉच घड़ी की बात की जा रही है, मे रिसर्च द प्राइस ऑफ अ सिमिलर वॉचेज इन द मार्केट। वो क्या करेगा, उसी तरह के जितने भी मार्केट में ऑलरेडी घड़ियां बिक रही होंगी उनके प्राइसेस के साथ वो चेक करेगा कि क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना बताएगा, एंड सेट दैट प्राइस द प्रोडक्ट्स यूनिक फीचर्स एंड ब्रांड पोजिशनिंग, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स, मतलब जो परसीव्ड वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो और जो आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग है। देखो सारा ब्रांड एक जैसा नहीं है, फोन में भी
जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, ये हो गया, ये कितना ही प्रीमियम फोन क्यों ना निकाल ले, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है तो लोग माइक्रोमैक्स नहीं खरीदेंगे, है ना। लेकिन ओप्पो यस वीवो ऑफ ये कोर्स। सब जो है ये सब लोग खरीदेंगे क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू एक बन गई है, ठीक है ना। तो हाँ आपको एक अपनी मान के चलो ब्रांड थोड़ा सा वैल्यू को भी बीच देखना वाला, होगा, बीच वाला वैल्यू है। या आपको अपने ब्रांड वैल्यू को भी देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को रखना होगा, यस ठीक है। ऑफ कोर्स। ये हो गया। तीसरा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। सो दिस मेथड फोकसेस ऑन परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आपको अगर लगता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा पाएगा तो आप डेफिनेटली अपने प्राइसेस को बहुत हाई रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भले ही कम कस्टमर खरीदे लेकिन जब भी खरीदेगा तो बाकी सारे प्रोडक्ट के मुकाबले आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, तो वो वापस से आप ही के पास आएगा खरीदने के लिए। तो उस चीज के लिए आप अपने प्राइसेस को ज्यादा हाई रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कैप्चर करने की कोशिश नहीं की जाती है, यहाँ पे एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है जिसके वजह से हम लोगों ने प्राइसेस ज्यादा करके रखी है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है किसी तरीके का, यहाँ पे मार्केट कैप्चर करने का लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हो गया। सो दिस मेथड फोकसेस ऑन परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। द प्राइस इज सेट ऑन द बेनिफिट्स, देखो है ना, द प्राइस इज सेट ऑन द बेनिफिट्स एंड वैल्यू द प्रोडक्ट डिलीवर्स टू कस्टमर्स रादर देन इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको बनाने का खर्चा कितना भी क्यों ना पड़ा हो लेकिन अगर आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जो है उसकी अच्छी प्राइस मिल जाएगी। यहाँ पर भी एप्पल का एग्जाम्पल बहुत ही सूटेबल है यहाँ पे, क्योंकि एक आईफोन बनाने का खर्चा इतना ज्यादा नहीं होता जितना वो लोग प्राइस रखते हैं। मुझे तो लगता है 4 टाइम्स 5 टाइम्स वो लोग अपना प्राइस रखते हैं, जो भी उनका बनाने का कॉस्ट है, 20-25 हज़ार रुपया उसको बनाने का खर्च कॉस्ट है तो वो 1.5 लाख रुपया उसका प्राइसिंग कर रहे हैं। सो ऐसा यस है ऑफ क्योंकि हाँ ऐसा रहता है। उनको पता है कि लोगों को वो पसंद आएगा क्योंकि वो लोग एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो फील जो है ना हाथ में एप्पल आईफोन लेने का वो अलग ही है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का फोन प्रोवाइड करेंगे तो भले ही लोग कम खरीदें लेकिन जब भी खरीदेंगे ना तो एक मैसेज जाएगा लोगों के बीच में कि ये फोन जो है ये प्रीमियम फोन है, इससे अच्छा फोन दुनिया में है ही नहीं। लोगों की नजर में अभी एप्पल का यही मतलब एक तरह से सेट है ये कि इमेज इससे बना अच्छा हुआ फोन तो है ही नहीं। हाँ ठीक है। सो वैल्यू बेस्ड हो जाएगा ये। कंपनीज इंप्लॉइंग वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कंपनीज इंप्लॉइंग वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एम टू कैप्चर अ पोर्शन ऑफ द वैल्यू दे क्रिएट फॉर कस्टमर, ठीक है ना। ए पोर्शन, जस्ट छोटा सा पोर्शन, ऐसा नहीं कि बहुत पूरा का पूरा मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफरिंग अ न्यू प्रोडक्टिविटी टूल मे सेट प्राइस बेस्ड ऑन द टाइम सेविंग बेनिफिट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इट प्रोवाइड्स टू यूजर्स, ठीक है। तो कोई भी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर अगर बना रही है और उस सॉफ्टवेयर का फायदा आपको इस तरीके से हो रहा है कि जो काम करने में आपको सारा दिन लगता था वो काम आप 1 घंटे में कर ले रहे हैं, तो कितना ज्यादा मतलब आपका वैल्यू आपको वो प्रोवाइड करा रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो अपने प्राइसेस को हाई रख सकता है ना। वही बात बोली कि कोई प्रोडक्टिविटी टूल ऐसा है जिसके जरिए आप अपना टाइम बहुत ज्यादा सेव कर पा रहे हैं, आपको बेनिफिट वो मिल पा रहा है, तो उसके कारण से आप प्राइसेस ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हो गया। याद रखिए कि इसके मीनिंग के साथ एक एग्जाम्पल भी साथ में दीजिएगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ किशन, तो इसका एग्जाम्पल भी हाँ हाँ आपको बिल्कुल, देना है, फॉर एग्जाम्पल करके बुक में डाल देने का बराबर। राइट राइट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्किमिंग प्राइसिंग, ठीक है। स्किमिंग प्राइसिंग, जैसे मिल्क को स्किम करते हैं ना, तो स्किमिंग प्राइसिंग इज लाइक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना प्राइस में, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको प्राइसेस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर वो हो रहा है, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट होगा, ये देख लेते हैं। स्किमिंग प्राइसिंग इन्वॉल्व्स इनिशियल सेटिंग अप हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट। द स्ट्रेटेजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर इनोवेटिव और हाई डिमांड प्रोडक्ट्स वेयर अर्ली अडॉप्टर्स आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम, ठीक है। सो स्किमिंग प्राइस, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस में डिफरेंस होगा, जब आप नया नया कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं तो देखना उस चीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगी, और जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी प्राइस घटती। यहाँ पे भी एप्पल का एग्जाम्पल बहुत सही रहेगा लेकिन आपको लिखने का जरूरत नहीं है, सारा जगह पे एक तरह का एग्जाम्पल सही लगेगा। बट एप्पल में भी ये चीज देखने को मिलती है कि जब कोई नया आईफोन लॉन्च होता है उसकी प्राइसेस एकदम टॉप नॉच होती है, एकदम हाईएस्ट प्राइस होगा। जैसे अभी iPhone 15 जो लॉन्च हुआ है 1.5 लाख रुपए के आसपास बिक रहा है, वेयर एज अगर आप iPhone 12 या फिर iPhone 13 की भी अगर बात करें तो अभी तकरीबन 50-60 के आसपास से आपका स्टार्ट हो जा रहा है, 40 के आसपास से भी 13 स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। 64 GB वाला मॉडल जो भी, मैं भी चेक कर रहा था एक्चुअली। तो
तो ये क्या होता है, ये स्कीमिंग प्राइस है, जो स्टार्टिंग में जो प्राइस निकल के आ रहा है, जो जब नया नया लॉन्च हो रहा है, तो लोग उस लॉन्च को कैप्चर करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि लॉन्च होते ही उनके पास वो फोन आ जाए। तो ये ना एक तरीके से जैसे दूध में से क्रीम निकालते हैं ना ऊपर वाला, कि भाई दूध में जो सबसे यस अच्छा जो है ऊपर का क्रीम है, पहले क्रीम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कि जब प्रोडक्ट कोई नया लॉन्च हो रहा है तो लोग सबसे पहले खरीदना चाह रहे हैं, तो उस चीज के लिए जो है आप जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं और वो आपका स्कीमिंग प्राइस में आएगा, ठीक है। देखो ओके कहाँ एडवांस गया, इन्वॉल्व इनिशियली स्कीमिंग बोलते क्या ये प्राइस। अपना प्री बुकिंग, जी, प्री बुकिंग टाइप का किया है, प्री बुकिंग टाइप का है क्या ये राइट स्कीमिंग राइट, करके हाँ। जो प्री बुकिंग भी एक एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है कि आप पहले से बुक करके रख रहे हैं, है ना। प्री बुकिंग अच्छा इसी एक्चुअली स्कीमिंग प्राइस को ही एक्स्ट्रा बोल सकते प्री हैं या फिर बुकिंग चीज प्राइस बोल सकते हैं, कि आपको पता है कि जब आपका फोन नया लॉन्च होगा या कोई ऐसा चीज, जब कोई नया चीज जब लॉन्च होगा तो लोग उसको लेने के लिए टूट पड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप पहले से ही प्री बुक कर देंगे, प्री ऑर्डर प्री आप बुक एक्सेप्ट करने कर लगेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट में कैसा डिमांड है। अगर डिमांड ज्यादा होगा तो अच्छा आप अपने प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं और ज्यादा, ठीक हाँ है हाँ ना। हाँ सो वो हम लोगों को देखने को मिलता है। सो इनिशियली प्राइसेस जो है थोड़ी सी हाई होती हैं जब इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। द स्ट्रेटजी इज कॉमनली यूज फॉर इनोवेटिव और हाई डिमांड प्रोडक्ट्स वेयर अर्ली अडॉप्टर्स। जी देखो, अर्ली अडॉप्टर्स मतलब जो सबसे पहले लेना चाहते हैं वो लोग ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार है ना। आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम अमाउंट भी पे करने को तैयार है, क्योंकि उनको ज्यादा पहले मिल रहा है। जैसे मैंने जब ये नोट्स वगैरह सेल करना स्टार्ट किया था, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने नोट्स को 300 रुपीज पर पेपर में भी बेचा है। अभी 200 रुपीज पर पेपर है, ताकि ज्यादा आदमी अफोर्ड कर सके उस चीज को। सो उस टाइम पे लोग, चूंकि मैं जून में, जैसे कि सपोज दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, और मैंने अगस्त में शेयर किया स्टूडेंट्स के साथ कि आप अभी जो है 300 प्राइस में ले सकते हो, तो लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन कई लोग वेट कर रहे हैं कि अच्छा अक्टूबर नवंबर आ जाए, ठीक है, तब प्राइसेस, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है मैं प्राइसेस थोड़ा कम करते जाता हूँ, क्योंकि टाइम वैल्यू एक होता है ना, कि अगर आप पहले नोट्स बड़ा ले रहे हैं तो बड़ा आपके पास टाइम ज्यादा है स्टडी करने का, तो अल्टीमेटली बड़ा फायदा बड़ा आपको होगा। तो उस चीज के कारण से प्राइसेस उस टाइम पे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा होता है, प्राइसेस थोड़ी बहुत जो है कम होती रहती है, तो उस कारण से भी लोग कई बार वेट कर लेते हैं। तो जो टाइम वैल्यू अच्छा होता है वो बहुत बड़ा एक चीज है, कि अगर पहले आया है, सबसे पहले आया है, तो मैं सबसे पहले ले लूंगा, ताकि आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम रहेगा करने का। तो वही बात यहाँ पे भी है, कि अगर आप सपोज ये फोन अभी सितंबर में लॉन्च हुआ ना, तो सितंबर में जब iPhone 15 लॉन्च हुआ, तो अभी से लेकर के मैं अगर अगले साल बिग बिलियन डेज तक का वेट करूं, जो कि मैं करूंगा, तो क्या है कि 1 साल का जो टाइम पीरियड है मैं तो उस फोन को चला नहीं पाया। पर जो लोग बराबर प्रीमियम पे प्राइस पे करने को तैयार है, वो लोग अभी से लेकर के 1 साल चला लेंगे, तो उनको हर चीज के चला बारे में रही पता चल जाएगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वगैरह वगैरह हर चीज। और एक क्या बोले, अब जैसे कि मूवी अभी जो मैच हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, या फिर किसी भी कंट्री का जो भी मैचेस होगा, देखना टिकट्स का प्राइसिंग भी अलग अलग होता है। अब जहां जितना अच्छे जगह पे बैठोगे उतना प्राइस ज्यादा हाई होगा, ठीक हाँ है। तो जो सर अच्छा बैठ रहे हैं, देखो ग्राउंड तो एक ही है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नजदीक से देखने को मिलेगा, थोड़ा सा 100 मीटर्स या फिर 200 मीटर का डिफरेंस, ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 से 20 मीटर का डिफरेंस होगा आई थिंक। तो उसी डिफरेंस के वजह से लोग, जो टिकट 900 1000 रुपए में अवेलेबल है, उसके लिए 20 30 हजार रुपए तक भी देने के लिए तैयार है, समझ रहे हो। यस सो सर प्रीमियम हाँ अमाउंट वो पे करना चाहते हैं, सो वो चीज बिल्कुल है। ओवर टाइम द प्राइस इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पे बोला गया ना, कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, द प्राइस इज टाइम ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, धीरे बिटवीन धीरे करके घटाया जाता है, ताकि आप अपने कस्टमर बेस को और बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ न्यू गेमिंग कंसोल, वो हमेशा लोगों को एक्टिव रखना चाहते हैं, फिर जैसे 1 साल बीत जाएगा फिर नया वर्जन नया नया फीचर के साथ फिर लॉन्च कर देंगे कुछ कोई अलग मोबाइल है हाँ ना। वो तो एक उन लोगों ने बनाने में रखा ही हुआ है, कि लोग वेट करते हैं सितंबर में अगर फोन लॉन्च होता है, जैसे 7 सितंबर के आसपास इन लोगों का फोन हमेशा लॉन्च होता है, तो मई जून जुलाई से ही लोग मतलब प्री बुक स्टार्ट कर देंगे, या मई जून जुलाई से ही गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाएगी कि भाई अगला आईफोन आने वाला है। सो वो चीज होता है इस तरह के प्रोडक्ट्स में, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, अच्छे प्रोडक्ट्स में, जो कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, या एज ए सोशल स्टेटस भी लोग खरीदते हैं आजकल,
आईफोन का सर। मतलब है कि भाई आपका सोशल स्टेटस काफी अच्छा है, आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, तो वैल्यू से उनको कुछ लेना देना नहीं है। पर जो असल जो उसका फायदा है वो उसका वैल्यू है। सिक्योरिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई आपका आईफोन हैक नहीं कर सकता, आपका फोन कोई और चला ही नहीं सकता। अगर कोई चोरी भी कर ले तो वो उसको कभी चला नहीं पाएगा, ठीक है। वो वैल्यू ऐड होने के कारण ही लोग जो है उसको लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेमिंग कंसोल का एग्जांपल बताया गया है, कोई नया गेम लॉन्च हो रहा है जिसको कंपनी जो है इसका प्राइसेस जो है इनिशियली बहुत हाइयर रखती है टू टारगेट इंथुजियास्टिक गेमर्स, जो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं गेम खेलने को लेकर के, वो देखना सबसे पहले चले जाएंगे उस गेम को खरीदने, भले प्राइसेस कितनी भी क्यों ना हो। डेफिनेटली उनके पास पैसे बराबर होने चाहिए, पहला फैक्टर तो यही है। बट जो इंथुजियास्ट होंगे ना कि भाई मुझे पसंद है कि जैसे ही लॉन्च हुआ मैं सबसे पहले खेलूंगा, तो वो लोग पहले चले जाएंगे और प्रीमियम प्राइस पे करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी प्राइसेस घटेंगी, और जब वो पॉपुलर होने लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफोर्ड करवाने के लिए वो लोग प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं सर, ठीक है। यस सर, होता है वापस सर। स्क्रीनिंग प्राइस में आ जाएगा। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है पेनेट्रेशन प्राइसिंग। सो पेनेट्रेट का मतलब एक तरीके से उकसाना, पेनेट्रेशन इज लाइक इंस्टिगेट अच्छा करना या उकसाना। तो प्राइसेस को आप कभी कभी इतना कम कर देते हैं कि आप, जैसे अभी के टाइम पे बिग बिलियन डेज में क्या हो रहा है कि अभी उकसाया जा रहा है लोगों को, पेनेट्रेट किया जा रहा है दिवाली कि के टाइम पर जरूर, जैसे दिवाली के टाइम पर ऐसे ही ऑफर देते ना, जैसे ओल्ड हाँ प्रोडक्ट रहता है उसको हटाने का रहते, तो वो क्या करते कम से कम प्राइस रख के उसको चाहते कि ज्यादा से ज्यादा माल बिक जाए। यस, कस्टमर भी उस हाँ टाइम पे पता है कि भाई आने वाला है। तो पेनेट्रेट करने का मतलब भी वही हो गया कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके जरिए कस्टमर्स जो है विवश हो जा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं कि भाई आप ये तो, आप तो ये ले ही लेना है, ठीक है ना। सो पेनेट्रेशन प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग अ लो इनिशियल प्राइस। आप क्या कर रहे हो, प्राइसेस जो है स्टार्टिंग में ही इतना कम रख दे रहे हो फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू क्विकली गेन मार्केट, है ना। कोई नया प्रोडक्ट, हालांकि एप्पल जैसी कंपनी ये काम नहीं करेगी, कोई ऐसी एप्पल कंपनी नहीं नहीं है, करेगी बहुत ज्यादा एप्पल, क्योंकि बड़ी नहीं है। सर उसका जी सर उसका वैल्यू बना हुआ है ना, उसको बनाने की हाँ, जरूरत नहीं है मार्केट कोई नई नई कंपनी में सर। की थोड़ा बहुत उसका ब्रांड वैल्यू है, वो लोग एप्पल के मार्केट को खराब करने के लिए वो लोग कम दाम में प्राइसेस, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं सैमसंग के तौर पे देना चाहूंगा। सैमसंग का भी प्रीमियम प्रोडक्ट आता है, जो एस सीरीज है, गैलेक्सी S23, नॉट गैलेक्सी, सैमसंग S23, S20, S21। तो इसका देखना ना, एक छोटा वर्जन आता है जिसको एफई बोलते हैं, फैन एडिशन, S21 FE। जैसे मेरे पास S20 FE है एक घर पे, तो अच्छा S20 FE जो है मतलब जो प्रीमियम जो है जिसका एकदम स्लीक बॉडी है, मतलब जैसे एप्पल का फोन है वैसे ही सैमसंग का भी है, एस सीरीज है वो, ओके। तो उसका जो FE वर्जन है वो पेनेट्रेट करने के लिए है। सेम फीचर्स है, खाली थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका फैन एडिशन है। मतलब आप S सीरीज के फैन हैं तो आप S20 सीरीज के, सपोज फैन है तो आपने S20 सीरीज का जो FE मॉडल है आपने वो ले लिया, ठीक है। और उसकी प्राइसेस कंपेरेटिवली S20 के मुकाबले कम होती हैं, जब वो लॉन्च होता है तो उसकी प्राइसेस कम होती हैं कंपेरेटिवली, मैं बता रहा हूँ। जैसे S23 का भी FE लॉन्च हुआ है, वो तकरीबन 50-60 के आसपास है, लेकिन अगर आप S23 अभी लेने जाएंगे जो एक्चुअल वर्जन है, तो उसका तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये आपको पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस कम है, लेकिन फिर भी कम है। तो लोग क्या करेंगे कि कम है। चलो सोचेंगे सेम फोन है, कम प्राइस पे मिल रहा है, तो चलो ले लेते हैं। तो जब भी लॉन्च होगा ना तो वो मार्केट को पेनेट्रेट करेगा, कस्टमर को पेनेट्रेट करेगा कि नहीं चलो ये लिया जा सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से तो ये होता है एंटर देखो, यहाँ पे वही बोला गया कि ये जनरली कंपनी तब करती है जब उसको किसी कॉम्पिटेटिव मार्केट में घुसना होता है, और व्हेन द प्रोडक्ट हैज अ कॉस्ट एडवांटेज ओवर कॉस्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव। और यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज भी होना चाहिए, है ना। मतलब आप इतना तो लो नहीं करेंगे ना कि आपका लॉस हो जाए, मतलब आपको हाँ बनाने हाँ का, हाँ अगर आपको बहुत कम पड़ा है तो डेफिनेटली आप उसको कम प्राइस में बेच सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट रख के, जहाँ पर 10% रखते थे मार्जिन, वहाँ पर 5% रख करके, क्योंकि पांच परसेंट क्योंकि रख ज़्यादा से करके ज़्यादा क्या, प्रोडक्ट बिकेगा है ना, ज़्यादा से बिल्कुल ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल बिक जाएगा और उसमें जो उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा, एडवर्टाइज हो हाँ, जाएगा साथ ही साथ। ब्रांड वैल्यू वही बढ़ेगा, जैसे जैसे जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। तो वो एक तरीके से तरीका अपनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे ओवर टाइम, ओहो, ओवर टाइम द प्राइस मे बी इंक्रीज वंस द प्रोडक्ट गेन्स ट्रैक्शन, है ना। जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे बढ़ाई भी जा सकती है जब उस पर ट्रैक्शन आने लगेगा। ट्रैक्शन इज लाइक फ्रिक्शन होने, फ्रिक्शन होने लगेगा, लोग आना स्टार्ट कर देंगे आपके पास खरीदने के लिए। आपका प्रोडक्ट चूंकि कम दाम में पहले बिक गया, लोगों को पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है,
तो अब लोग आपके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे अपनी मर्जी से, तो आप क्या करेंगे, आप उसके प्राइसेस को थोड़ा 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 करके आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हम लोग को कर देखने को सकते मिलता है हैं। पेनेट्रेशन मार्केट में, एंड सिक्योर सा हाँ हाँ कस्टमर, सर, और आप एक कस्टमर बेस आपका इस तरीके से बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस, कोई स्ट्रीमिंग सर्विस है जो कि डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन आपको ऑफर कर रहा है, मतलब कम प्राइसेस में आपको ऑफर कर रहा है इनिशियल लॉन्च में। ऐसा होता है देखना, कि चूंकि मैंने जस्ट अभी लॉन्च किया है, तो लॉन्च के एक दो दिन तक जो है आपका प्राइसेस बहुत कम रहेगा, लेकिन एक दो दिनों के बाद आपका जो है प्राइसेस बढ़ जाएगा। जैसे प्री बुक में भी कई बार ये ऑफर देता है कि प्री बुक में अगर आप अभी प्री बुक करेंगे तो आपको 5,000 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, पर अगर आप बाद में जब कंप्लीटली लॉन्च हो जाएगा उस टाइम पे जब लेंगे तो वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक नहीं है, मिलेगा। तो प्री बुक के टाइम पे भी ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लोग कम प्राइस में रख करके भी सेल करवा देते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स इनिशियल लॉन्च टू क्विक गेन सब्सक्राइबर्स एंड एस्टेब्लिश इट्स प्रेजेंस इन द मार्केट। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है। सो ये पॉइंट था सारा का सारा, 5 पॉइंट्स थे, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, किस तरीके से प्राइसेस बहुत अच्छा था। हम सेट करेंगे। ठीक है, एक मिनट जरा सा। ओके, सो दैट्स इट, और ये लेक्चर तो यहीं पे खत्म होता है, और आज अभी मैं और कोई लेक्चर नहीं करा रहा हूँ, मुझे सर्दी जुकाम हो गया, मुझे बोला भी नहीं जा रहा ठीक से। सो होपफुली अगर ओके टाइम रहा तो कल शाम में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ग्रुप में बता दूंगा व्हाट्सएप में। ओके सर, ओके। अगर देख लेंगे सर, शाम में रहेगा ना तो शाम में बता देना, अगर रात को अगर हो सके 8-9 बजे तक। हाँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा सही लगेगा, मेरे गले में एक्चुअली काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पानी पीना पड़ रहा है बीच बीच में, तो वो एक इशू है। तो शाम में अगर सही लगेगा तो डेफिनेटली मैं आपको, आप लोगों को बता दूंगा क्लास के बारे में। ठीक चलें, है, ओके ओके गाइस, ओके गाइस, ठीक है। और मैं पीडीएफ अभी सर, थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक ना, तो आप वहां से भी स्टडी कर लेना। यस यस सर, ओके सर, ओके गाइस, बाय, टेक केयर। बाय। ओके सर, बाय।